हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया के स्वाद। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही यूनिक, लाजवाब और झटपट बनने वाली स्नैक की रेसिपी, जो है रिबन भुजिया, जिसे हम बनाएंगे बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से, जो आसानी से हमारे घर में मिल जाते हैं। तो उसके लिए मैं लूँगी 2 कप बेसन। ये जो हमें बारीक बेसन है ढोकले के लिए, वो नहीं लेना है, जो हम पकौड़े बनाते हैं वो वाला बेसन है। फिर मैं इसमें डालूंगी 1 छोटा चम्मच अजवाइन, नमक स्वादानुसार, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 बड़ा चम्मच तेल। अब हम इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेंगे। तेल का इसमें डालना बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जो सेव है या सेव या भुजिया जो भी कह ले इसे, वो बहुत ही खस्ता बनेंगे और क्रिस्प भी बनेंगे। तो मैंने इसी तरीके से इसे मिला लिया है और हम पानी की मदद से इसका डो लगा लेंगे। तो सबसे पहले मैं लूँगी 1/3 कप पानी, जिसे हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके इसका एक आटा लगाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो अजवाइन है, हमें इसमें साबुत नहीं डालना है, हमें इसे कूट के डालना है। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो अब मैं इसमें एक इंग्रेडिएंट डालना भूल गई थी, जो कि है हींग। मैं अभी 1 चुटकी हींग डाल रही हूँ, और आप इसे पहले डाल दीजिएगा, मैं इसे डालना भूल गई थी इसलिए मैं इसमें बाद में डाल रही हूँ। अब मैं हींग को अच्छे से मिला लूँगी और फिर से 1/3 कप पानी की मदद से मैं इसका एक आटा लगा लूँगी। तो इसका जो हम ये डो लगा रहे हैं, हम जैसे रोटी बनाते हैं वैसे, बिल्कुल वैसा ही लगाना है, ना ही ज़्यादा ढीला लगाना है ना ही ज़्यादा सख्त लगाना है, बिल्कुल रोटी के जितना। तो आप देख सकते हैं मैं कितना परफेक्ट डो लग चुका है ये। अब मैं आपको बताती हूँ, तो ये है जो प्लेट, जो ये जो हम मुरकुल बनाते हैं उसके अंदर एक प्लेट का अटैचमेंट आता है ये, तो इससे हम बनाएंगे रिबन भुजिया। तो हम इसमें अच्छे से इसे फिक्स कर लेंगे टाइट, क्योंकि अगर आप ढीला करेंगे तो साइड में से आटा निकाल देंगे, आटा निकल जाता है। तो हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच तेल, और हम एक ब्रश की मदद से हम इसे ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे तो टिश्यू से या हाथ से भी कर सकते हैं, इसको ग्रीस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और उसका जो अंदर का जो स्टैंड है, जो हम जिसकी मदद से हम इसे घुमाएंगे, हम उसे भी ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि क्या होता है ना, आटा इसके अंदर से निकलने में बहुत आसानी होती है और चिपकता कम है, जिसकी वजह से वेस्टेज कम होता है। तो इसी तरीके से मैंने ऐसे ग्रीस करके रख लिया है। अब मैं अपने हाथों को भी ग्रीस कर लूँगी तेल से, और इस डो के 2 हिस्से करके एक डो को 5 सेकंड के लिए अपने हाथों के बीच में इसे, ताकि पूरा तेल कोट हो जाए, और फिर हम उसे मशीन के अंदर डाल देंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसकी जो प्लेट है कितनी बारीक अंदर से, जो इसकी ना उसके अंदर से निकलता है आटा, इसकी वजह से हमें जो अजवाइन है एकदम बारीक उठ के डालना है। तो इधर मैंने तेल भी लगा दिया है गर्म होने के लिए, जब तक मैं डो बना रही थी, और हम छोटा हिस्सा डाल के देखेंगे। तेल अभी इतना गर्म नहीं हुआ है, हम थोड़ा सा वेट करेंगे, और फिर से चेक मैंने कर लिया तो तेल गर्म हो चुका है। अब हम फ्लेम को मीडियम करके इसमें से हम भुजिया निकालना शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे कितने बढ़िया पतले रिबन जैसे भुजिया इसमें से निकल रहे हैं। तो मैंने इसी तरीके से निकाली, और आपको इतना भी ज़्यादा नहीं भरना है कि ये पूरा बाहर आ जाए, थोड़ा सा खाली है तो कढ़ाई वो अच्छी रहेगी, क्योंकि इसे सिकाई बहुत परफेक्ट होगी, क्योंकि इसे स्पेस चाहिए सिकाई होने के लिए। तो हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे 1 मिनट तक अभी कुछ नहीं करेंगे, इसे रहने देंगे, और 1 मिनट बाद में हम इसे पलटेंगे और दूसरे साइड से भी हम इसे तल लेंगे, जब तक ये क्रिस्प ना हो जाए। तो मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, मैक्सिमम 30 सेकंड में दूसरे साइड में ये तल जाता है, मतलब सिकाई हो जाती है तेल के अंदर। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कुछ यूनिक रेसिपी है, घर में जो इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है बहुत उसी से बन जाती है ये, और इसे बनाना भी बहुत आसान है। आप इसे क्या कर सकते हैं, ऊपर चाट में टॉपिंग्स के लिए डाल सकते हैं, या ऐसे भी एज अ स्नैक खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ये सिकाई हो चुकी है इसकी। अब हम इसे एक बड़े बर्तन में अलग से हम इसे निकाल के रख देंगे। कई बार इसे निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक फोक की मदद से इसे निकाल सकते हैं। तो मैंने इसी तरीके से इसे निकाल लिया है। अब मैं आपको जब सेकेंड टाइम डाल रहे हैं तो उसकी वो क्या बातें ध्यान रखनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जब हम सेकेंड टाइम डालेंगे, हमें गैस की फ्लेम को एकदम धीमे करना है, और फिर हम भुजिया को डालेंगे इसमें। मीडियम फ्लेम पे भी नहीं डालना है, जिससे इसके जलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि तेल ऑलरेडी बहुत गर्म है। अब जब हमने इसे डाल दिया है, अब हम फ्लेम को मीडियम करेंगे और उसे सेम प्रोसीजर से हम इसे तलेंगे। इस बात हो सकता है थोड़ा जल्दी तले, 1 मिनट ना लगे, उससे कम भी लगे, क्योंकि तेल का टेम्परेचर ऑलरेडी गर्म होता है। तो इसी तरीके से मैंने इसे तल लिया है, और हम इसे निकाल के
रख देंगे और आप इसे एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। इसे आप आराम से 7 से 10 दिन के लिए खा सकते हैं। तो ये भी मैंने निकाल दिया है और इसी तरीके से मैंने सारे भुजिया बना के रख लिए हैं। तो दोस्तों, आप भी इस लाजवाब आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खाइएगा, खिलाइएगा और मुझे बताइएगा रेसिपी कैसे लगे। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।